हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भारत की जनजातियां व प्रजातियां। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? जनजातियां व प्रजातियां। जैसा कि हम जानते हैं कि जनजातियों से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछ लेता है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, या किसमें लठमरवा भोज दिया जाता है, या कहाँ पे किस जिले में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है। तो आज हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों, बात आती है कि प्रजातियां होती क्या हैं, प्रजातियां होती क्या हैं। तो हम जानते हैं कि देश की जनसंख्या में, भारत देश की जो जनसंख्या, उसमें कई प्रकार की प्रजातियों का मिश्रण है। क्या है? कई प्रकार की प्रजातियों का मिश्रण है। जब हमें ये पता है कि मिश्रण है, तो यह सबसे पहले बताया किसने हमें? तो यह बताया था हर्बर्ट रिजले थे। हर्बर्ट रिजले ने 1901 की जनगणना में प्रजातियों का विवरण दिया। हर्बर्ट रिजले ने 1901 की जनगणना में प्रजातियों का विवरण दिया। इनका जो विवरण था, इन्होंने बताया कि प्रजातियां कुल 7 प्रकार की होती हैं। इन्होंने क्या बताया? प्रजातियां कुल 7 प्रकार की होती हैं। देखिए, इन 7ों प्रकार के बारे में हम लोग इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो सर्वमान्य है, उसके बाद डॉक्टर बीएस गुहा ने विवरण दिया था 1931 की जनगणना में। डॉक्टर बीएस गुहा ने 1931 की गणना में प्रजातियों का वर्गीकरण किया था जो प्रमुख है और सर्वमान्य है। डॉक्टर बीएस गुहा ने 1931 की जनगणना में प्रजाति वर्गीकरण दिया था जो प्रमुख है और सर्वमान्य है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार सुन लेते हैं। इन्होंने बताया था, हर्बर्ट रिजले ने, कि प्रजातियां कुल 8 प्रकार की हैं, 7 प्रकार की हैं। पहले इन्होंने बताया था द्रविड़ियन, दूसरी बताया था भारतीय आर्य या इंडो आर्यन, तीसरी बताया था मंगोलायड, चौथा था आर्य द्रविड़ियन, पांचवा था मंगोल द्रविड़ियन, छठा था सिथो द्रविड़ियन और लास्ट था हमारा तुर्क ईरानी। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे, ये सब बस आप जान लीजिए। बात करते हैं कि जो वर्गीकरण डॉक्टर बीएस गुहा ने किया था 1931 में, उसके बारे में हम जानेंगे। इन्होंने बताया था कि भारत, इन्होंने कि 6 बड़े प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 6 बड़ी प्रजातियां हैं। तो उन 6 के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से 3 भारत में पाई जाती हैं, 3 भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो देखते हैं डॉक्टर बी एस गुहा का वर्गीकरण। तो पहला इन्होंने बताया कि निग्रेटो थे। कौन थे? निग्रेटो। ये कहाँ निवास करते हैं? ये अंडमान निकोबार, त्रावणकोर और कोचीन साइड मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार, त्रावणकोर और कोची। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड होते हैं। कौन होते हैं? दूसरी जाति इन्होंने क्या बताया था? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। ये कहाँ निवास करते हैं? तो ये मध्य में दक्षिण भारत की कबीलाई जनजातियां हैं। कौन सी हैं? दक्षिण भारत की कबीलाई जनजातियों की प्रजातियां हैं। इन्हें पूर्व द्रविड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व द्रविड़। तीसरा मंगोलायड है। क्या है? मंगोलायड। तो इसमें कुल 3 प्रकार की जनजातियां हैं। पूर्व मंगोलायड, जो पूर्व मंगोलायड है वहां पर असम और हिमालयी क्षेत्रों में पूर्व मंगोलायड मिलते हैं। नेक्स्ट है चौड़े सिर वाली प्रजाति। कौन सी प्रजाति? चौड़े सिर वाली प्रजाति। इसमें लेप्चा है, चकमा है, जो बांग्लादेश साइड मिलती है। एंड हमारा लास्ट है तिब्बती मंगोलायड। क्या है? तिब्बती मंगोलायड। ये प्रजातियां सिक्किम और भूटान में पाई जाती हैं, सिक्किम और भूटान में। फोर्थ है भूमध्य सागरी प्रजातियां, ये भी भारत में कुछ जगहों पर पाई जाती हैं। फिफ्थ है बैक्रिसेफल और लास्ट हमारा नार्डी। अब देखेंगे इन प्रजातियों के बारे में डिटेल से कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली प्रजातियां हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंगोलायड और निग्रेटो। बात आती है कि क्वेश्चन जो बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा प्रजाति समूह आया था, तो निग्रो आया था। कौन सा आया था? निग्रो। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो जनजातियां पाई जाती हैं, इनका क्षेत्र क्या है, इनका क्षेत्र क्या है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और इनकी क्या विशेषता है। क्या हम किसी को भी जनजाति बुला सकते हैं, किसी को भी घोषित कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए कुछ मानक डिसाइड किए हैं।
और ये मानक डिसाइड किसने किया है? तो 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में चंदा समिति ने यह मानक डिसाइड किया है। 1960 ईस्वी में चंदा समिति ने यह मानक डिसाइड किया है। इन्होंने किसी भी जाति या समुदाय को शेड्यूल टेरिटरी में आने के लिए 5 मानक बताए हैं। किसमें बताए हैं? 5 मानक अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होने के लिए 5 मानक बताए हैं। अब बात करते हैं कि वो पांचों मानक है क्या। पहले जो मानक है हमारा आदिम विशेषता का लक्षण हो, क्या हो? आदिम विशेषता का लक्षण हो। नेक्स्ट है भौगोलिक रूप से अलग हो, भौगोलिक रूप से अलग हो। इनकी संस्कृति भी अलग हो, इनकी संस्कृति भी अलग हो। आर्थिक रूप से पिछड़े हो, जनजाति होने का मतलब आपको आर्थिक रूप से पिछड़ा होना पड़ेगा, संस्कृति भी अलग होनी पड़ेगी, भौगोलिक रूप से भी अलग होना पड़ेगा और आदिम विशेषता के लक्षण भी चाहिए। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यह अन्य समुदाय के लोगों से मिलने में संकोच करें। क्या करें? अन्य समुदाय के लोगों से मिलने में संकोच करें। बात करते हैं भारत में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो कुल 461 जनजातियां हैं। भारत में कुल 461 जनजातियां हैं, जिसमें से अनुसूचित जनजातियां हैं 424, 424 अनुसूचित जनजातियां हैं। बात आती है कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 342, आर्टिकल 342। और अनुसूचित जाति के बारे में, दोस्तों अनुसूचित जाति जो शब्द है यह शब्द संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया है इसके बारे में अनुच्छेद 341 में। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है और 342 में अनुसूचित जनजाति के बारे में। इन्होंने 7 क्षेत्रों में बांटा है, 7 क्षेत्रों में बांटा है कि इस जगह पे इन्हीं 7 क्षेत्रों में जनजातियां पाई जाती है। इन्होंने पहले बताया है उत्तरी क्षेत्र, क्या है हमारा? उत्तरी क्षेत्र। दूसरा है पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्व और उत्तर का क्षेत्र। थर्ड है पूर्वी क्षेत्र, फिर है मध्य क्षेत्र, फिर आता है पश्चिमी क्षेत्र गुजरात साइड का, दक्षिणी क्षेत्र केरल साइड का, द्वीपीय क्षेत्र अंडमान निकोबार या जो भी द्वीप हैं। ठीक है, इन्हीं 7 क्षेत्रों में जनजातियां पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और उनसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उनसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी, शौका, खरबार, महिगीर, ये जनजातियां पाई जाती हैं। और बात करें इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो भोटिया है, थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, इन सबसे क्वेश्चन बन चुके हैं। भोटिया, थारू, बुक्सा और जौनसारी से क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, थारू जो जनजाति है, थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या में पाई जाती है और ये किरात वंश से है। थारू जनजाति किस वंश से है? ये किरात वंश से है। ये रहते कहाँ है? तो ये नैनीताल और गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में रहते हैं, नैनीताल और गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इनके परिवार कैसे होते हैं, तो इनका ज्वाइंट फैमिली होता है, ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार प्रथा। दोस्तों यही जनजाति है और ये एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्सा जनजाति, किसके बारे में? बुक्सा जनजाति यह पाया जाता है उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून जिलों में। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल या देहरादून जिले में। दोस्तों ये जो मानते हैं, इनका मानना ये है कि इनका संबंध पतवार राजपूत घराने से है। कहाँ से है? पतवार राजपूत
घराने से इनको माना जाता है। और दूसरे, ये भाषा कौन सी बोलते हैं? तो दोस्तों ये हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा। इनके में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह होते हैं। बुक्सा जनजाति अनुलोम व प्रतिलोम विवाह करते हैं। अब जानते हैं हम लोग कि अनुलोम विवाह क्या होता है और प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह जो होता है, इसमें जो पुरुष होता है वो उच्च कुल का होता है। पुरुष उच्च कुल का होता है, जैसे ब्राह्मण है अगर पुरुष, और जो महिला होती है वो निम्न कुल की होती है, या क्षत्रिय। जैसे पुरुष अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च कुल का होता है और महिला निम्न कुल की होती है। और बात करते हैं प्रतिलोम विवाह की, पुरुष उच्च कुल का और महिला निम्न कुल की। और बात करते हैं प्रतिलोम विवाह की, तो इसमें स्त्री जो है, स्त्री उच्च कुल की होती है, स्त्री उच्च कुल की होती है, और आदमी जो होते हैं वो निम्न कुल के होते हैं। बस सब अपोजिट है इसमें, अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता है, मेल उच्च कुल के होते हैं और फीमेल निम्न कुल की होती हैं। और प्रतिलोम में क्या होता है, मेल जो होते हैं वो निम्न कुल के होते हैं और फीमेल उच्च कुल की होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जौन सारी के बारे में। किसके बारे में? जौन सारी जनजाति के बारे में। दोस्तों ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। ये भूमध्य सागरी क्षेत्रों से संबंधित है। कहाँ से? ये भूमध्य सागरी क्षेत्रों से आए हुए हैं। इनका जो समाज होता है, इनकी सोसाइटी पितृसत्तात्मक है। इनकी सोसाइटी कैसी है? पितृसत्तात्मक। और इन यहाँ बहुपति विवाह प्रचलित है। क्या प्रचलित है? बहुपति विवाह। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो जौन सारी में। इसमें एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियां। किसके बारे में? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियां। बात करते हैं इसमें है गोंड, मुंडा, कोरकू, कोरबा, कोल, सहरिया, जिसमें से गोंड इम्पोर्टेंट है, सहरिया भी इम्पोर्टेंट है, हलवा, मारिया, भिरहोर, भूमिया, ओरा और मीना। दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, कुल जनजाति जनसंख्या के दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला कुल जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बात करते हैं झाबुआ जिला जो है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का जो झाबुआ झाबुआ जिला है, वो जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार सर्वोपरि है। जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कौन है? झाबुआ जिला। और बात करते हैं जनसंख्या के दृष्टि से तो बस्तर जिला। अब बात करते हैं गोंड जनजाति। दोस्तों 2011 की जनगणना से पहले गोंड जनजाति भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति थी। गोंड जनजाति भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन अब यह दूसरे नंबर पर आ गई है। पहले नंबर पर भील है। ये किस प्रजाति से बिलोंग करते थे? तो ये प्राक द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते थे। कहाँ से आए थे? ये प्राक द्रविड़ प्रजाति से। मुख्यतः ये छत्तीसगढ़ के बस्तर, चांदा, दुर्ग जिलों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर, चांदा और दुर्ग जिलों में। इनकी सर्वाधिक जन कुल ये इनकी कुल जनसंख्या जो है, इनकी कुल जनसंख्या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी, नहीं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी इसकी कुछ जनसंख्या पाई जाती है। गोंड जो जनजाति है, इसकी कुछ जनसंख्या आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी पाई जाती है। इसके बाद जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सहरिया जनजाति, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों सहरिया जो जनजाति है, ये मैक्सिमम पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी व मुरैना जिले में। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गुना, शिवपुरी व मुरैना जिले में। ये अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हैं? कंद मूल खा करके और शहद का संग्रह करके। कंद मूल खा करके और शहद का संग्रह कर करके ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की जनजातियां। किसके बारे में? राजस्थान की जनजातियों के बारे में। तो भील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
मीणा, सहरिया, गरासिया, दमोह और सांसी। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। ये लोग शिव व शक्ति के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? शिव व शक्ति के। बात करते हैं भील की, तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना से बाद से भील सबसे बड़ी जनजाति है और यही सबसे प्राचीन जनजाति भी है। भील सबसे प्राचीन जनजाति है। भील को एक और नाम से भी जाना जाता है, धनुषधारी नाम से जाना जाता है। भील को धनुषधारी नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति के हैं। भील किस प्रजाति के हैं? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति के। इनका भी जो फैमिली स्टेटस है वो संयुक्त परिवार प्रथा चलता है। यहाँ पर इनके यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा चलती है। और दोस्तों ये झूम कृषि करते हैं। ये कौन सी कृषि करते हैं? झूम कृषि करते हैं। तीसरी सबसे प्रमुख जाति है राजस्थान की, गरासिया। राजस्थान की तीसरी सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है? गरासिया। इनमें तीन प्रकार का विवाह प्रचलित है, मोर बंधिया, पहरा बना विवाह और ताड़ना विवाह। इसमें जो होता है फेरे होते हैं मोर बंधिया में। याद कैसे करेंगे? बंधिया मतलब बांध के ही फेरे होते हैं। दूसरा है पहरा बना विवाह। इसमें यह ऐसा विवाह है जिसमें ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है ताड़ना विवाह। इसमें क्या है कि वर पक्ष वाले कन्या का मूल्य देके उसको ले जाते हैं। ताड़ना विवाह में वर पक्ष वाले कन्या का मूल्य देके ले जाते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा सांसी जनजाति के बारे में। किसके बारे में? सांसी जनजाति के बारे में। तो दोस्तों यार राजस्थान के भरतपुर जिले में रहती हैं। कहाँ पे रहते हैं? राजस्थान के भरतपुर जिले में यह जनजाति पाई जाती है। दोस्तों इसका एक और पार्ट बनाएंगे हम, जिसमें झारखंड की जनजाति और कुछ अन्य जनजातियों के बारे में देखेंगे, जैसे नागा, टोडा, सोम्पेन, ठीक है। और उसमें यूपी स्पेशल रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जनजातियों के यूपी स्पेशल रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो पीसीएस और आरओ के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।